नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एप्पल आईफोन 13 मिनी वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A73 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो iPhone 13 mini में 5.18 इंच जबकि Galaxy A73 5G में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो iPhone 13 mini में 2.53 इंच जबकि Galaxy A73 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो iPhone 13 mini में 141 ग्राम्स जबकि Galaxy A73 5G में 181 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि iPhone 13 mini से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो iPhone 13 mini में OLED जबकि Galaxy A73 5G में Super AMOLED Plus की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो iPhone 13 mini में 19:5:9 जबकि Galaxy A73 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPhone 13 mini में 5.4 इंचेस जबकि Galaxy A73 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPhone 13 mini में 1080x2340 और Galaxy A73 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPhone 13 mini में 84.6% जबकि Galaxy A73 5G में 87% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iPhone 13 mini में 476 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy A73 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPhone 13 mini में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy A73 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPhone 13 mini में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy A73 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iPhone 13 mini में Apple GPU 4-core Graphics जबकि Galaxy A73 5G में Adreno 642L मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPhone 13 mini में Apple Bionic और Galaxy A73 5G में Qualcomm Snapdragon 778G मिलता है। बात करें RAM की तो iPhone 13 mini में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy A73 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो iPhone 13 mini में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 512GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy A73 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो iPhone 13 mini में नहीं है जबकि Galaxy A73 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPhone 13 mini में iOS V15 जबकि Galaxy A73 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी iPhone 13 mini में 2438 mAh जबकि Galaxy A73 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो iPhone 13 mini में 4 कलर्स जबकि Galaxy A73 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPhone 13 mini में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 69,900 रुपीस, 6GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 79,900 रुपीस, 6GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 99,900 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Galaxy A73 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 44,990 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 44,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Apple iPhone 13 mini में 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A73 5G की तो उसमें 7 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Galaxy A73 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9 है, दूसरा Vivo X60 Pro है, तीसरा OnePlus 9R है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11X Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।